नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों का डीए एवं अन्य भत्ते रोकने तथा पेंशनरों के महंगाई भत्ता जुलाई 2021 तक रोकने के सरकार के इस फैसले का कैंडल जलाकर पुरजोर विरोध किया है। जिलाध्यक्ष पीएन सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ने आज इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर सिंह, वेद प्रकाश पांडे, कृष चंद्र पांडे, धीरज कुमार सिंह, जहीन अहमद, दुर्गेश नंदन सिंह, अनिल कुमार पांडे, अजित कुमार, रमाशंकर यादव, विकास सिंह, चंद्र कुमार लाल, आशीष मिश्रा, रामसेवक आदि कर्मचारीगण ने भाग लिया। मैं पीएन सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़, आज का यह कार्यक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा डीए को फिक्स किया गया है और 6 तरह के भत्तों को ख़त्म किया गया है, उसके विरोध में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो आह्वान दिया गया था और इफ्सेप के द्वारा, उसके तहत आज 1 मई मजदूर दिवस को कैंडल जलाकर इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया कि जो भी कर्मचारी जहाँ भी हो अपने कार्यालय में अपने घर पर इस कैंडल जलाकर उसका विरोध करे और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को अभी थोड़ी देर में ईमेल के द्वारा से भेज दिया जाएगा और इसके बाद भी अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सुचारू से निर्णय नहीं लिया, तो अगली कार्रवाई इस कोरोना महामारी के बाद जब हमारे कर्मचारी खाली होंगे तो इसके आंदोलन के लिए भी निर्णय लिया जा सकता है। उसके लिए हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ जनपद के सभी कर्मचारी इसका विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय प्रसाद।